मित्रों नमस्कार, पवन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक है मित्रों, जातक कैसे बन सकता है एक सफल इंजीनियर। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, प्रसंग है, टॉपिक है। अनेकों मित्रों का आग्रह व्हाट्सएप पे, एक मित्र ने तो हट ठान लिया था, रोज मुझसे पूछते थे कि कब आप कंप्यूटर इंजीनियर पर वीडियो दे रहे हो। मैंने आज के लिए वादा किया। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक टॉपिक है। मित्रों की जिज्ञासाएं रहती हैं, हर विषय पर चाहते हैं कि वीडियो मिले और उसके नियमों को जाने, अपनी कुंडली में उतारे। और ज्योतिषी बंधुओं को भी आवश्यक है, मित्रों को, विद्वानों को, विद्यार्थियों को, कि हर नियम से अवगत हो, सबकी जानकारी हो और हर नियमों पर कुंडलियों को कसें और उसके आधार पर केपी सिस्टम की सटीकता को प्रमाणित करें। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें। अगर अब तक मेरा कोई वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे का लाल बटन दबा करके और बगल में जो घंटी आती है उसको पुश करके सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर जरूर करें और सभी दर्शक मित्रों को मेरा साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये आज का टॉपिक जो मैंने लिया है, देश की सर्वोच्च संस्था IIT के इंजीनियरिंग डिपार्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुंडली, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, नाम नहीं डाल रहा हूं, बहुत उचित नहीं पड़ता हर क्षण हर वीडियो में सबका नाम डाला जाए। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/3/75, टाइम ऑफ बर्थ है 12/51/45 दिन में, और प्लेस ऑफ बर्थ है डेली। मित्रों, वो एक सफल इंजीनियर है, उच्च पदस्थ इंजीनियर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने IIT से सर्वोच्च डिग्री प्राप्त किया है और भी डिग्री उनके पास है। तो मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक इंजीनियर की ये कुंडली है। इसमें हमने आवश्यक गणित पक्ष दिया है, जो सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में फीड है उससे इस बर्थ डिटेल के आधार पर मैंने लिया है। तो मित्रों, ये उनकी मिथुन लग्न की कुंडली है, केपी लग्न चार्ट में ग्रह इस प्रकार से बैठे हैं और कष्ट चार्ट में भी ग्रह बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले हम नियम पर आते हैं, इंजीनियर कौन सा नियम बनाता है। मित्रों, इंजीनियर बनने के लिए सबसे आवश्यक है इंजीनियरिंग की शिक्षा। जब तक उस विषय की शिक्षा आप नहीं लोगे तब तक कैसे बनोगे इंजीनियर। जब तक आप वकालत नहीं करोगे, सीधे कहोगे कि मैं जज कैसे बन जाऊं, तो बिना वकील बने आप जज नहीं बन सकते, तो वकालत की शिक्षा अनिवार्य है। तो पहली बात तो शिक्षा के लिए अनिवार्य है चतुर्थ स्थान। इस नाते कस्पल सिग्निफिकेटर जो मैंने लिया 4, 6, 7 और 10 को दिखाया है। मेनली चौथा स्थान शिक्षा से रिलेटेड है, छठवां स्थान नौकरी से रिलेटेड है, सातवां स्थान कारोबार से रिलेटेड है और दसवां स्थान ये निर्धारित करेगा कि नौकरी में या कारोबार में जातक को सफलता कहां हो। तो मित्रों, मेनली हम आते हैं शिक्षा पर। जब शिक्षा रहेगी तभी इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियरिंग की छोटी बड़ी शिक्षा। तो जैसा कि पहले ही मैंने स्पष्ट किया है, शिक्षा के मामले में चतुर्थ स्थान प्रमुख स्थान होता है, चौथा और उसके सहायक स्थान 9 और 11 होते हैं। चतुर्थ का सब लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी, अगर 4, 9, 11 का कार्येश हो अथवा इसमें से किसी एक भी भाव का कार्येश हो तो जातक की शिक्षा अच्छी हो। लेकिन अगर 4, 11 का कार्येश हो तो कॉलेज स्तर की शिक्षा होती है, इंटर कॉलेज अधिकतम BA डिग्री का। लेकिन अगर 4, 9, 11 तीनों का कार्येश हो या 9, 11 का हो, 9 उसमें आ गया हो
तो उच्च स्तरीय शिक्षा होती है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती है, डिग्री कार्य शोध भी होता है, नौ आने पर पीएचडी होती है, शोध होता है। संयोग से आपने पीएचडी की डिग्री भी लिया है, क्योंकि तो चतुर्थ का सर्वार्थ सनिश्चर है, जो एक ना आठ नौ पांच छह ग्यारह का कार्य, अर्थात नौ और ग्यारह आया है, इस नाते उच्च डिग्री प्राप्त ये शिक्षित हैं और उच्च पदस्थ। तो मित्रों पहली बात तो इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए सबसे आवश्यक है मंगल। मित्रों मंगल इंजीनियरिंग का कारक है, बिना मंगल के कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, तो मंगल से संबंधित होना चाहिए चतुर्थ के सर्वार्ण, और मंगल और शनिश्चर का भी संबंध होना चाहिए, क्योंकि शनि धातु का लोहे का और मंगल भी उसी से संबंधित, मंगल और शनि का संबंध हो और चतुर्थ का सब लार्ड मंगल और शनि से संबंधित हो तो इंजीनियर बनाएगा। साथ ही मंगल चतुर्थ का सब लार्ड जो वो किसी न किसी रूप से तृतीय का भी कार्येश हो, क्योंकि तृतीय स्थान भुजाओं का होता है, पराक्रम का होता है और हाथ का होता है। इंजीनियरिंग बिना हाथ के प्रयोग के नहीं होती, क्योंकि इंजीनियर चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कंप्यूटरक हो, चाहे जल यांत्रिकी हो, कोई इंजीनियर, चाहे ऑटोमोबाइल हो, उसमें हाथ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना तृतीय स्थान बहुत आवश्यक होता है, पराक्रम गुण साथ होता है। तो मित्रों हम यहाँ देखेंगे कि चतुर्थ स्थान का सब लार्ड क्या इन मानकों को पूरा करता है। यहाँ आप स्पष्ट देखोगे चतुर्थ का सब लार्ड शनि है, जो एक आठ नौ और पांच छह ग्यारह का चांजेस, लेकिन मंगल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मंगल आवश्यक, तृतीय भाव दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि तीन आवश्यक, शिक्षा के लिए आवश्यक है, फिर इंजीनियर होना, नौकरी प्राप्त करना, आगे बात इस पर पहले हम चर्चा करें। मित्रों यहां हमने प्लेनर सिग्निफिकेटर भी दिया है, जहां भ्रम होगा वहां दोनों से तैयारी हम कर लेंगे। एक चीज आप देखिए, लग्न चार्ट कस्प चार्ट दोनों दिया, कस्प चार्ट से ही ये सिग्निफिकेटर तय किए गए हैं, इस नाते यहां बहुत ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन ग्रह कहां गया किस लाइन। हम मित्रों हम दूसरे विषय पर आते हैं कि शनि तो स्पष्ट है, शनि का संबंध है चतुर्थ, लेकिन मंगल कहां? मंगल के लिए मित्रों राहु को हमने बताया बहुआयामी ग्रह, सीधे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राहु को यहां देखिए वृश्चिक राशि में बैठा, वृश्चिक में बैठने से राहु पर निश्चित रूप से मंगल का प्रभाव होगा, क्योंकि राहु पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, राहु अकेला वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन हमने बताया था कि जिस राशि में बैठता है उसका भी फल देता है, जिस नक्षत्र में बैठता है उसका भी फल देता है, जिस पर दृष्टि होती है उसकी फल। तो राहु मंगल से संबंधित है। दूसरी चीज, मंगल मकर राशि में बैठा हुआ शनिश्चर से संबंधित है। तीसरी चीज मित्रों आप देखो, यहां देखिए मंगल राहु जो है शनिश्चर के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शनिश्चर राहु के नक्षत्र, अर्थात शनिश्चर राहु में नक्षत्र संबंध भी है, स्थान परिवर्तन है, और राहु को मंगल का स्वरूप माना जाएगा क्योंकि तो दृष्टि में बैठा हुआ है, और राहु के जिन भावों में बैठते हैं, राशियों में बैठते हैं, वो राशियां उनकी हो जाती है, अर्थात दृष्टि का और मेष का मालिक भी राहु। तो जब दृष्टि का और मेष का मालिक राहु है तो स्वयं मंगल साक्षात्कार है, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है। इस नाते शनिश्चर और मंगल का संबंध हुआ शिक्षा। दूसरा विषय मित्रों, हमने कहा है कि तृतीय स्थान का संबंध होना चाहिए। आप देखोगे शनिश्चर की तीसरी दृष्टि है तीसरे स्थान, दृष्टि को भी भाव में जोड़ा जाता है, तो तीसरी दृष्टि से शनिश्चर तीसरे स्थान को देख रहा है और मंगल आठवीं दृष्टि से तीसरे स्थान, तृतीय भाव भी इसमें आया है।
अथवा शिक्षा के स्तर पर सारे मानकों को पूरा करते हैं सनिश्चय लाभ और इस नाते इंजीनियरिंग की अच्छी डिग्री ऊंची डिग्री इनको। अब मित्रों छठे स्थान का सब लॉर्ड अगर 6, 10, 11 का कार्य संयोग से छठे का सब लॉर्ड भी राहु है जो सनिश्चय के नक्षत्र में बैठा हुआ है जो 6, 11, 3 सबका कार्येश है 6, 10, 11 में 6, 11 है इस नाते इसने गिरिदिया बनाया उच्च पदस्थ बनाया। संयोग से दशम का भी सब लॉर्ड राहु है जो 5, 6, 11, 1, 8, 9 का कार्येश है। तो इस तरह से इनको उच्च पद पर इंजीनियर पर स्थापित करने का काम राहु ने किया है। हमने सप्तम स्थान इस नाते दिया कि सप्तम में अगर दशम आया हो तो इसका मतलब व्यवसाय भी अच्छी क्वालिटी का चलता है। सप्तम का सब लॉर्ड सूर्य है जो दशम का काजेश है सप्तम का काजेश है अर्थात यह जाता है अगर व्यवसाय करें इंजीनियरिंग से संबंधित या किसी चीज से संबंधित इनका व्यवसाय दशम का भी सब लॉर्ड एकादश का काजेश है तो कुल मिला के व्यवसाय के क्षेत्र में भी अगर कभी उतरेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। तो मित्रों मेनली सर्विस में है सरकारी सर्विस में है ऊंची सर्विस में है व्यवसाय पर बहुत चर्चा नहीं करते। अब दूसरा प्रश्न मित्रों आता है कंप्यूटर इंजीनियर। हम आपको बता दें मंगल शनिश्चर से संबंधित हो थर्ड स्थान से रिलेटेड हो और चतुर्थ स्थान 4, 9, 11 का कार्य हो उसी स्तर का इंजीनियर मान लीजिए 9 स्थान नहीं आया है तो टर्नर होगा फिटर होगा छोटी डिग्री होगी पॉलिटेक्निक होगा आईटीआई होगा आईआईटी नहीं लेकिन जब 9 स्थान सपोर्ट करेगा तो आईआईटी होना उसमें पीएचडी डिग्री लेना शोध लेना और उचित तक पहुंचना ये संभव है जो कि मान्यवर की डिग्री उसमें है। हमने नाम नहीं लिया है ना से नाम नहीं लेंगे। तो मित्रों अब दूसरा विषय हमारे एक मित्र का है आग्रह है कि कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनते आप जान लीजिए चतुर्थ का सब लॉर्ड मंगल और शनिश्चर होना आवश्यक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। चतुर्थ का सब लॉर्ड स्वयं मंगल हो या मंगल से रिलेटेड हो रिलेटेड का मतलब उसके नक्षत्र में उस नक्षत्र में या उसकी राशि दृष्टि में कहीं हो और शनिश्चर से संबंधित। तीसरा चीज उसके नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी को बुध से अगर संबंधित है तो बुध कंप्यूटर का कारक है बुध की राशि में हो बुध की दृष्टि में हो ज्योति में हो संबंधों में हो तो कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियर होगा इन मानकों को पूरा करते हुए जो हमने बताया। सूर्य से संबंधित हो तो विद्युत संबंधी विद्युत यांत्रिकी में जाएगा। इस तरह से जल चंद्रमा से संबंधित हो तो जल यांत्रिकी में जाएगा पेट्रोलियम आदि में जा सकता है इससे संबंधित जो यांत्रिकी होगा। शुक्र से संबंधित हो तो ऑटोमोबाइल्स में जाएगा ये जो मैकेनिकल होता है वाहन का शुक्र वाहन का कारक। इस तरह से आप निर्णय कर सकते हो। तो मित्रों जो बुध से संबंधित रिलेटेड जिज्ञासु हैं इन नियमों के आलोक में बुध को संबंधों को भी जोड़ लें अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो या सफलता मिल सकती है। तो मित्रों ये है इंजीनियर बनने का योग और एक जातक कैसे इंजीनियर बन सकता है इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। वीडियो लंबा हो रहा है इस नाते आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। कल पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज सभी मित्रों को पुनः पुनः नमस्कार धन्यवाद शुभकामनाएं। एक बार हम अवसर देते हैं कि आप लोग इसकी नोटिंग बना लें एक मिनट तक एक सेकंड तक ताकि वीडियो क्लियर हो जाए खड़े थे सामने आपको कोई अवरोध न नोटिंग बना